अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़श्ता साल ये खबरें सामने आई थी कि साबिक लीजेंड क्रिकेटर वसीम अकरम जल्द ही खेल और फैशन शोज के बाद फिल्मी कैरियर भी शुरू करेंगे। खबरें थीं कि वसीम अकरम जल्द ही मिसाला फिल्म में मारूफ अदाकार फवाद खान और फैसल कुरैशी समेत दीगर अदाकारों के साथ जलवे दिखाते नजर आएंगे और बाद अज़ां इसकी तस्दीक भी हो गई थी। ताहम अब वसीम अकरम की अहलिया शनीरा अकरम ने भी अपनी और अपने शोहर की पहली फिल्म के हवाले से तस्दीक करते हुए बताया है कि इन्हें डेब्यू फिल्म की शूटिंग के दौरान किस कदर मुश्किलात का सामना रहा। शनीरा अकरम ने इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया कि इन्होंने आने वाली मिसाला फिल्म मनी बैक गारंटी की शूटिंग के दौरान किस कदर परेशानियों का सामना किया। अदाकारा ने शूटिंग के दौरान खिंचवाई गई अपनी दो तस्वीर शेयर करते हुए शूटिंग के तजुर्बात बयान किए और बताया कि किस तरह वो गुज़श्ता 12 दिन से मुकम्मल नींद नहीं कर सकती। इन्होंने थकावट, नींद की कमी और भूख समेत पेश आने वाले दीगर मसाइल का जिक्र भी किया। साथ ही शनीरा अकरम ने बताया कि इन्हें फैसल कुरैशी और उनकी टीम के साथ काम करके इंतहाई अच्छा लगा और इन्हें नए तजर्बे के दौरान बहुत कुछ सीखने को भी मिला। इंस्टाग्राम पर शनीरा अकरम ने अपनी दो तस्वीर भी शेयर की जिनमें इन्हें फिल्म की शूटिंग के सेट पर देखा जा सकता है। ताहम शनीरा अकरम ने फिल्म की कहानी के हवाले से कोई बात नहीं बताई। खबरें हैं कि शनीरा अकरम भी फिल्म में मुख्तसर किरदार में दिखाई देंगी और मुमकिन तौर पर इनके शौहर वसीम अकरम भी मुख्तसर तौर पर दिखाई देंगे। मनी बैग गारंटी की दीगर कास्ट में मिकाल जुल्फकार, फवाद खान, किरण मलिक, फैसल कुरैशी, वसीम अकरम, जावेद शेख, हिना दिलपजीर, अफजल खान, जान रैम्बो और मानी जैसे अदाकार भी जलवागर होंगे। फिल्म की शूटिंग कराची समेत बैरून मुल्क भी की जाएगी और ख्याल रहे कि फिल्म को रवां बरस के आखिर तक रिलीज कर दिया जाएगा।